आज की यंग जनरेशन को वो शक्ति लेकर के बैठी है, सत्व लेकर के बैठी है, संपत्ति लेकर के बैठी है, संवेदनशीलता लेकर के बैठी है। सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक अच्छा गाइड चाहिए। हजारों लाखों युवाओं को मैं नज़दीक से देखा है जो काम करते हैं, वी कांट बिलीव इट। शायद युवा पीढ़ी को गाली देने का एक नशा बन गया है, मगर कहीं उनके प्लस फैक्टर को तुम देखे तो पता चलेगा कि वो क्या कमाल का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक बहुत अच्छा संगठन मुलुंड में है जिनका नाम है GYF। जय जीरेंद्र, जैन यूथ फाउंडेशन की स्थापना आज थी 11 वर्ष पूर्व क्रिकेट ना माध्यम थी शुरू थई। आ संस्था ने मुख्य हेतु दरेक संप्रदाय ना युवानों ने एक साथे लावी अने समाज उपयोगी कार्य करवा, जेमा के तमाम संप्रदाय ना गुरु भगवंतों ना मेडिकल चेकअप कैंप होय अने MJPL क्रिकेट टूर्नामेंट होय अने हमणा ज रिसेंटली GYF सेवा क्लिनिक जे मात्र 10 रुपया मा चेकिंग अने मेडिसिन उपलब्ध करवामां आवे छे। पूरे मुलुंड में जहां भी साधु साध्वी भुगन विराजमान थे उन सबका मेडिकल चेकअप जो सद्भाव से कराया था, आज वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। पूरी यंग जनरेशन शायद अपने घर में अपने पिताजी के पास वो कितने बैठते होंगे लाख रुपए का प्रश्न है, मगर ऐसा मौका आता है वो घर से बाहर निकल जाता है। धोरण 10 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે આશરે 60 લાખ થી પણ વધારે રકમની સહાયતા કરવામાં આવી છે, જે કોરોના કાળમાં સંપૂર્ણ લોકડાઉન હતું ત્યારે શરૂ કરવામાં આવેલો અન્ન સત્રમાં 60,000 થી વધારે ફૂડ પેકેટો જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા। આ સિવાય ઘણા બધા જ કાર્યો કરવામાં આવ્યા છે, જેમ કે મોટિવેશનલ પ્રોગ્રામ હોય, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામ હોય, શતાદાન જેવા સફળ સંચાલન હોય, એવા કાર્યક્રમો GYF દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષમાં કરવામાં આવ્યા છે। જૈન યુથ ફાઉન્ડેશનને ઘણા વર્ષથી ઓળખું છું, 10 વર્ષથી પણ વધારે સમયથી ઓળખું છું। જિગ્નેશભાઈ હંમેશા એમાં કાર્યરત રહ્યા છે, શરૂઆત સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીથી થયેલી, ત્યારે બધા બાળકોનો છોકરાઓનો ઉત્સાહ જોઈને અમને થયું કે આપણે પણ યંગ થઈ ગયા છીએ। 2013માં GYF સંસ્થાનો ડૉક્ટર મુકેશ શેટે દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવ્યો અને એમને અમને ડાયાલિસિસની વાત કરી। નમસ્કાર, મેં ડૉક્ટર મુકેશ શેટે કન્સલ્ટન્ટ નેફ્રોલોજિસ્ટ હું, પિછલે 20 સાલ સે નેફ્રોલોજિસ્ટ કી પ્રેક્ટિસ કર રહા હું ઓર કિડની કે પેશન્ટ સે જુડા રહા હું। અબ લાખો લોક ડાયાલિસિસ તક પહોંચ ચુકે હૈ ક્યોંકિ ઉનકે ગુર્દે કામ નહીં કરતે। જબ હમ દેખતે હૈ કિ એસે પેશન્ટ ડાયાલિસિસ લેતે હૈ તો ઉનકે ખર્ચે બહોત હો જાતે હૈ, દવાઈ કા ખર્ચા, લેબોરેટરી કા ખર્ચા। અબ ઇન સબ ખર્ચો કો સીમિત રખને કે લિયે હમે જરૂરી હૈ કિ યે ડાયાલિસિસ મશીન્સ ભી અચ્છે હો ઓર કમ દામ મે મિલે। તો હમે બહોત ગર્વ સે કહેને કો યે આનંદ હો રહા હૈ કિ 10 સાલ પહેલે હમારી जान पहचान जैन यूथ फाउंडेशन एक ऐसे फाउंडेशन से हुई जिनमें बहुत यंग लोग जुड़े हुए हैं और जी जान से उस फाउंडेशन के लिए वो काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि हॉस्पिटल बढ़े, मगर मरीज बढ़े हैं तो कि उनका समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा। आज एक डायलिसिस इतना एक्सपेंसिव, इतना टफ, इतना पीड़ादायक बन चुका है, आम आदमी इनके लिए कहाँ जाए लाख रुपए का प्रश्न है। इसी पीड़ा को देख करके GYF के यंग लड़के ने एक ठान ली, हम इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे। जेवी डायलिसिस मशीन माटे मने डॉक्टर ने बात करी, तरत जे श्रेष्ठीवरीय मनुभाई गांधी नो हमे संपर्क कर्यो अने मळ्या अने बे मशीन अमारी संस्था ने मळ्या। आज दरेके दरेक जे કાર્યકર્તાઓ છે એટલા બધા અદ્ભુત એ લોકો સારી રીતે કામ કરે છે અને એ કાર્યકર્તાઓના કામથી હું પ્રેરાઈને જ હું આ સંસ્થા સાથે વધારે ને વધારે ઇન્વોલ્વ થયો છું। આજે જે ડાયાલિસિસનો ખર્ચો, જનરલી એક ડાયાલિસિસના 3-4 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો આવે છે, જ્યારે આપણે જૈન યુથ ફાઉન્ડેશનની અંદર ફક્ત 500 રૂપિયાથી જ આ લોકોને એક કૂપન આપીએ છીએ કે જેથી એકદમ ફ્રી, અને છતાંય જો કોઈ એવી વ્યક્તિ આવે કે જો 500 રૂપિયા બી ન એને પોસાતા હોય तो आपने हमने फ्री डायलिसिस करा दिया है। एक्चुअली अगर इस चीज का महत्व पूछे जाओ उस पेशेंट को कि जिसको डायलिसिस की जरूरत है, वो तो ये बोलेगा कि
की है, जैन यूथ फाउंडेशन के लिए भगवान से कोई कम नहीं है। दर्दियों की एटली संख्या बढ़ती गई कि जेना द्वारा अमारी टीम नो कॉन्फिडेंस लेवल पर एटलो बधो वधी गयो। जेम जेम अमे आगळ वधता गया तेम तेम अमे नक्की कर्युं कि हवे आपणे अत्यंत आधुनिक एवुं डायलिसिस सेंटर नुं निर्माण करवुं छे अने क्रिकेट नी टूर्नामेंट ना दिवसे ज अमने सोल मशीन ना दाता मळी गया अने ए सोल मशीन ना दाता द्वारा फेब्रुआरी 2018 मां अमे अमारुं डायलिसिस सेंटर 1 नी शुभारंभ कर्यो। त्यारबाद तरत ज 2 वर्ष में ज के अमारो आ डायलिसिस सेंटर फूल थई गयुं अने अमारे बीजा सेंटर की शुरुआत करवानी हती त्यारे औपचारिक मीटिंग करवा गयेला मनुभाई पासे अमने 19 मशीनना डोनेशन की बात करी अने अमारा सेंटर 2 नी शुभारंभ कर्यो। आज इसी योगदान से नवनाथ 1, 2 और 3 ऐसे 3 बड़े सेंटर की स्थापना हो चुकी है और भविष्य में हमारा संकल्प है कि उन्हीं के योगदान से हम इस कार्य को आगे बढ़ते जाएं। कोरोना ने कारण दर्दियों की संख्या में खूब वधारो थयो। डॉक्टर ने अमने रिक्वेस्ट आवी कि हवे आपणे त्रीजा तरफ आगळ वधीए। आज आपनी समक्ष आप जोई रह्या छो कि आज त्रीजा डायलिसिस सेंटर नो पण आप बधानी हाजरी में अमे शुभारंभ करी रह्या छीए। इस जबरदस्त आयोजन के पीछे पूरी टीम काफी समय से काम कर रही है, खास करके जिग्नेश भाई और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये तीसरा डायलिसिस सेंटर है, हजारों लोग उसका बेनिफिट ले चुके हैं और ऐसी कोविड की परिस्थितियों में भी दोनों सेंटर बराबर चालू थे। इनकी पूरी जर्नी मैंने देखी है और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा डेडिकेटेड यंगस्टर्स हमें नहीं मिल सकते हैं। पूरे देश भर के युवकों के लिए ये फाउंडेशन एक एग्जाम्पल है। और मैं यंगस्टर्स को भी बोलना चाहूँगा, खास करके जो प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, दैट वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। आज सोसाइटी में हम रहकर अगर हम कोई एक परिस्थिति पे पहुंचे हैं, कोई एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है, तो ये हमारा कृतज्ञ होता है कि हम उसको समाज को लौटाए। और कोई भी छोटी या बड़ी मात्रा में आप फंड दे या उनकी टीम के साथ जुड़ जाए। ज्यारे पण जैन यूथ फाउंडेशन ने साथ आप्यो छे के भाई अमने पैसा नी जरूर छे, त्यारे एमणे माग्या छे एना करता वधारे पैसा मळी गया छे। एनुं कारण ज ए छे के आ लोको एकदम खंतपूर्वक काम करे छे अने एक एक पैसानो हिसाब एवी रीते राखे छे के आपणे 1 रूपियो आप्यो होय ने तो 1.25 रूपियानुं काम थयुं होय। आजे डायलिसिस नी अंदर ए लोकोना कामथी प्रभावित थई अने लोको आजे सामेथी डायलिसिस मशीन नी ऑफर करे छे, ए उपरथी आपणे जाणी शको छो के भाई आ संस्थानुं काम केटलुं अब ये काम करते समय ये भी बात देखना पड़ता है कि इसके लिए कोई ना कोई डोनर लगता है। और आज यहाँ पे जो पधारे हुए है मनुभाई गांधी, मयूरू भाई शाह, सुखराजी नहा, मनीष भाई शाह, धर्मेश जैन, अमृत जी पिपाड़ा तथा दिनेश भाई एम शाह। और आज इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि एक एम्बुलेंस भी ये डोनेट कर रहे हैं इस पर्पस के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। सपना आज आपने पूरा किया है, मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको मॉरल सपोर्ट, पैसे से सपोर्ट किसी भी टाइप का कभी भी आधी रात को मैं खड़ा होने को तैयार हूँ। आज आप गुरु के जितने
बच्चे जुड़े हैं आपके स्पोर्ट्स से, एक पूरे मुंबई में अनोखी काम किया है। आप धर्म के मामले में भी आगे जुड़े हुए हैं, एजुकेशन में भी आगे आ गए हैं। ये सब जो संस्था काम कर रही है, पूरा मुरुण समाज आपके साथ होगा, क्योंकि इस ढंग से जो कार्यकर्ता मुंबई में नहीं है, जो यहाँ खड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जे वाई एफ ये मुरुण की अग्रणी संस्था है, जे समाज दरेक फिरकाना यंग प्रोफेशनलो द्वारा उत्तम सामाजिक कार्य करी रही है। आ संस्था की स्थापना थी त्यारथी ज हूँ तेमनी साथे संकळायेलो छूं, अने भविष्यमां पण तेमनी दरेक प्रवृत्तिमां मारो सहकार तेमनी साथे रहेशे। आवा उत्कृष्ट कार्य करता रहे तेवी मारी सर्व कार्यकरोनी शुभ मंगल कामना। अने आजे आपणे एज्युकेशन छे, खेलकूदनी मैदान छे, एनी अंदर भी आ लोकोए सारुं नाम काढ्युं छे। ये तो बात सही है, आज इंसान पैसा कमाता है खुद के लिए, पर दूसरों के लिए खर्च करना ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे देखे जाओ तो बहता हुआ पानी कभी भी अच्छा रहता है। जैसे अपन देखते हैं एक तालाब में अगर पानी पड़ा रहे तो कुछ महीनों के बाद वो भी सड़ जाता है, उसी प्रकार अगर बहता पानी नदी का है तो वो शुद्ध रहता है। इसी प्रकार इन दाताओं ने देखा इनके पास पैसा तो है, पर इस पैसे को एक कैसा सदुपयोग करें, जो इन्होंने आज यहाँ पे डायलिसिस की मशीन डोनेट करके किया हुआ है, ऐसे ही ये आगे भी इनको साथ देंगे, ये मेरी भावना है और मेरी इच्छा है। तो आ काम माटे आपणे जितले एमने सहकार आपीए ओछो छे, अने एमना कार्यमां हमेशा मैराथन अने हूँ भागीदार रह्या छीए अने भविष्यमां पण रहीशुं। जितनी इनकी प्रशंसा करे उतनी कम है, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हम सब हमेशा आपके साथ है, एंड वी आर ऑल सो सो प्राउड ऑफ यू। हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। ટીમની અંદર સીએ, ડોક્ટર્સ, આઈટી પ્રોફેશનલ, ઇન્ડસ્ટ્રિયાલિસ્ટ, એન્જિનિયર્સ, એમબીએ, આવા એક એક યુવાનો આ ટીમની અંદર આવેલા છે, જેથી કરીને આ એક એક કાર્ય થાય છે। હું તો આ ટીમના જેટલા પણ વખાણ આપની સમક્ષ કરું એટલા ઓછા છે, અને ટીમની એક એક વ્યક્તિઓની આજે મને એ બધાનો ઋણ સ્વીકાર કરવાનું મન થાય છે। મારા અંતરથી આ બધાનો આભાર માનું છું, સાથે સાથે દાતાશ્રીઓ પરિવારનો પણ મારે આભાર માનવો જોઈએ, કારણ કે દાતા ન હોય તો એક પણ કાર્ય અમે કરી ન શકીએ, દાતા વગર બધા જ કાર્ય અધૂરા છે। આપ બધાનો જે સહકાર મળ્યો છે એના બદલ હું આપ બધાનો ઋણી છું, અંતરથી આભાર। જય જીરેન્દ્ર। અનેક કી સાતા ઓર સમાધિ મેં નિમિત બનને કા યે આપકે મન કા શુભ ભાવ, સબકો સાતા ઓર સમાધિ દે ઓર ઉનકે પુણ્ય સ્વરૂપ આપકે જીવન મેં ભી સાતા ઓર સમાધિ બની રહે, જીવ દયા का पालन जितना हो सके उतना ज्यादा रहे, और प्रभु महावीर का संदेश घर घर में घट घट में पहुंचाने का आपके प्रयास को सफलता मिले, और आपको भी मेरी ओर से पूर्णतया आशीर्वाद है, आपकी इस कार्य में पूर्णतया आपको सफलता मिले। सर्व मंगल मंगल सर्व ज्ञान गणम प्रधानम सर्व धर्मानम जय।